गुड मॉर्निंग. लास्ट वी हैव लर्न वर्कशीट. नाउ चैप्टर नंबर 6, डिस्क्राइबिंग वर्ड. रेड शूज, कॉल्ड वाटर, एन ऑल्टमेंट, अ लॉन्ग स्टिक, अ बिग एलिफेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स? वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स. विच वर्ड्स इज अ टेल अस मोर अबाउट नेमिंग वर्ड? जो नेमिंग वर्ड है उसके ही बारे में हमें कुछ मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं. कोई भी एडजेक्टिव्स है या डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं और एडजेक्टिव्स भी कहते हैं हमें. उसके ही कोई भी नेमिंग वर्ड है उसके बारे में हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड. फर्स्ट वन इज गिवन हियर, रेड शूज. देर आर REDs, रेड, REDs, red. It is a describing word. COLD, called. It is a describing word. OLD, old. A man to hai, but old. It is a describing word. Stick. There is a stick, but it is a long. So long is a describing word. Adjectives. Elephant. There is an elephant, but big. So big, big is a describing word. Is there? Okay. The words shoes, water, man, stick and elephant are naming words or noun. The words red, call, all, long and big tell us more about these nouns. They are called describing word or adjectives. Now you are you understood? The describing word kise kehta hai? Jo naming word ke hi bare mein hume zyada kuch explain karta hai. To usse hum kya kehte hai? Describing word kehte hai. Understood everyone? हमें नाउन के बारे में ही ज़्यादा बताते हैं, उसे डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं. देर इज अ पेंसिल, इट इज अ पेंसिल. तो मैं ऐसे बोलूँगी पेंसिल, तो ये पेंसिल ही है, लेकिन मैं ऐसा बोलूँगी ग्रीन पेंसिल, इट इज अ ग्रीन पेंसिल. सो ग्रीन इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. उसने हमें मोर बताया कि पेंसिल के बारे में ज़्यादा बताया, तो हम उसे क्या कहेंगे? डिस्क्राइबिंग वर्ड कहेंगे. ओके, अंडरस्टूड? डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कह सकते हैं और एज वेल एज हम इसे एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं. हम इसे डिस्क्राइबिंग वर्ड भी बोल सकते हैं और एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं. ओके, नाउ ए, चूज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्ट्रिप्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड हमें यहाँ पे लेना है और हमें फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है. टी, तो टी कैसे हो सकती है? देखो उसमें से ऊपर से स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, तो कैसी होगी? हॉट. तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हॉट? एच ओ टी, हॉट. सेकेंड वन इज जूस, जूस. सो सेकेंड वन इज जूस, तो जूस कैसा हो सकता है? कॉल्ड, तो सी ओ एल डी, कॉल्ड. तो कॉल्ड इट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. ग्रास, विच कलर इज दैट? विच कलर ग्रास? ग्रीन, तो जी आर डबल ई एन, ग्रीन. ग्रीन इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. वाइड, तो स्मार्ट, कौन सा एडजेक्टिव यूज करेंगे हम यहाँ पे? स्मार्ट, तो एस एम ए आर टी, स्मार्ट. देन आफ्टर रॉक, रॉक कैसा हो सकता होता है? हार्ड. कैसा होता है? हार्ड. तो विच डिस्क्राइबिंग वर्ड देर आर वी आर यूजिंग? हार्ड, एच ए आर डी, हार्ड. देन आफ्टर एप्पल, तो विच कलर इज इट? कौन सा कलर है एप्पल का? रेड. तो राइट डाउन आर ई डी. ऑल आर अंडरस्टूड ना? डिस्क्राइबिंग वर्ड किसे कहते हैं? जो नाउन के बारे में ही हमें ज़्यादा बताता है उसे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड और एडजेक्टिव्स कहते हैं. वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड. इट इज़ अ वेरी इजी. टर्न योर पेज. I have a black or brown hair.
तो मेरे तो ब्राउन है तो मैं क्या लिखूंगी, ब्राउन. आई एम अ शॉर्ट और टॉल, आई एम अ टॉल, देन आई राइट हेयर टॉल. माई हेयर इज अ कर्ली और स्ट्रेट, माई हेयर इज अ नॉट अ कर्ली और नॉट अ स्ट्रेट, माई हेयर इज अ वेवी. तो बट यहाँ पे हमें टू ही ऑप्शन दिए हैं तो हमें इसमें से दोनों में से लिखना है. आई लाइक कलर, विच कलर यू लाइक, यू कैन राइट हियर. तो बी, इट इज योर होमवर्क. ओके, आपका जो भी है वो आपको लिखना है. इफ़ यू हैव अ ब्लैक हेयर देन यू राइट हियर ब्लैक, इफ़ यू हैव अ ब्राउन हेयर देन यू कैन राइट हियर ब्राउन, इफ़ यू आर टॉल देन यू राइट हियर टॉल, इफ़ यू आर शॉर्ट देन यू राइट हियर शॉर्ट. योर, माई हेयर इज अ फिल इन द ब्लैंक्स, यू हैव अ कर्ली हेयर देन यू कैन राइट हियर कर्ली, एंड इफ़ यू हैव अ स्ट्रेट हेयर देन यू कैन राइट हियर स्ट्रेट. आई लाइक अ फिल इन द ब्लैंक्स कलर, विच एवर कलर यू लाइक यू राइट देयर. ओके, नाउ मैच द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन कॉलम ए विद द पिक्चर इन कॉलम बी. ए के साथ आपको बी को ज्वाइन करना है. फर्स्ट वन इज गिवन हियर, एन ओल्ड मैन, सो डी नंबर पे है, ज्वाइन देम इन टू डी नंबर. ओके, अ थीन बॉय, थीन बॉय यानी पतला, तो पतला बॉय इज गिवन हियर ए पिक्चर, तो ज्वाइन देम हियर. अ टॉल वूमन, बहुत ही लंबी लंबी वूमन, सी नंबर पे, ज्वाइन हियर. अ लिटल गर्ल ऑन बी नंबर. अ रेड कार, दैट इज गिवन रेड कार पिक्चर, देन ज्वाइन देयर. अ ह्यूज ट्रक, देयर आर गिवन अ ह्यूज ट्रक, देन ज्वाइन देम. नाउ डी, लुक एट दिस पिक्चर्स, राइट दैट, राइट व्हाट कलर दे आर. ओके, अ फिल इन द ब्लैंक्स एप्पल, विच कलर इज आर रेड, तो राइट डाउन रेड, विच कलर इज देयर, एप्पल का कलर कौन सा होता है, रेड होता है. ओके, अगेन आया, पहले भी आ गया था, आर ई डी रेड. सेकेंड वन इज अम्ब्रेला, विच कलर अम्ब्रेला इज देयर, पर्पल, तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पर्पल, पी यू आर पी एल ई, पर्पल अम्ब्रेला. थर्ड वन इज अ फिल इन द ब्लैंक्स क्रो, विच कलर इज क्रो, विच कलर इज अ क्रो, ब्लैक, राइट डाउन ब्लैक, बी एल ए सी के ब्लैक. अ कैट, विच कलर कैट इज देयर, ब्राउन, तो राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ ब्राउन, बी आर ओ डब्ल्यू एन, ब्राउन. सनफ्लावर, सनफ्लावर का कौन सा कलर है, येल्लो, देन राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ येल्लो, वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू. अ फिल इन द ब्लैंक्स पैरट, कौन से कलर का पैरट है, ग्रीन, तो राइट डाउन जी आर डबल ई एन, ग्रीन. एलिफेंट, विच कलर एलिफेंट इज देयर, ग्रे, तो राइट डाउन जी आर ए वाई, ग्रे. टी शर्ट, विच कलर टी शर्ट आर देयर, पिंक, What is the spelling of pink? P-I-N-K. Pink. Okay. Five rows of describing words are given below. A naming word has got mixed up each them. Find and circle the naming word. यहाँ पे naming word पे हमें circle करना है. Okay. हमें यहाँ पे describing word भी दिया है. उसके साथ में naming words mix कर दिए हैं. तो उस पर हमें circle करना है. प्रीति, क्लेवर, ब्राइट, सन्नी और बॉय, इसमें से नेमिंग वर्ड कौन सा है, बॉय, सर्कल ऑन द बॉय स्पेलिंग. बॉक्स, हैप्पी, सैड, बिग, लिटल, हैप्पी, सैड, बिग, लिटल, ये सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड है, एडजेक्टिव्स है, लेकिन बी ओ एक्स बॉक्स क्या है, नेमिंग वर्ड, तो सर्कल ऑन दैम, रेड, फैट, थिक, गर्ल और ऑल. रेड, फैट, थिक और ओल्ड क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, एडजेक्टिव्स है, बट गर्ल इज अ नेमिंग वर्ड, तो सर्कल ऑन द गर्ल. एंग्री, कॉल्ड, लॉन्ग, लार्ज हाउस, एंग्री, कॉल्ड, लॉन्ग, लार्ज, ये सारे क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, एडजेक्टिव्स है, लेकिन हाउस क्या है, नेमिंग वर्ड है, तो हाउस पे सर्कल करो. देन आफ्टर ह्यूज, कैट, स्मॉल, नैरो, ग्रीन, तो ह्यूज, स्मॉल, नैरो, ग्रीन, ये सारे एडजेक्टिव्स है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, लेकिन सी ए टी कैट क्या है, नेमिंग वर्ड है, तो सर्कल ऑन द स्पेलिंग ऑफ द कैट.
टर्न ऑन द पेज, पेज नंबर 34, कम ऑन टू पेज नंबर 34, चूज द करेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर दिस पिक्चर, देन राइट देम इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर किसकी दिख रही है आपको? सैड, सैड दिख रही है. यस, तो राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ सैड, एस ए डी, सैड गर्ल. ओके, सेकेंड पिक्चर, सेकेंड पिक्चर किसकी दिख रही है? किसी पे तो ऐसा गुस्सा कर रहा है, जैसे आप गुस्सा करते हो ना, उस तरह से गुस्सा कर रहा है. तो सेकेंड पिक्चर किसकी है? एंग्री, तो ए एन जी आर वाई, एंग्री बॉय. देन आफ्टर थर्ड पिक्चर, लुक एट दिस थर्ड पिक्चर, विच पिक्चर इज देयर? ऐसी डरी डरी सी लग रही है, उसने कुछ देख लिया और डरी डरी सी लग रही है, वैसी पिक्चर है, तो उसे क्या कहता है? अफ्रेड. क्या कहता है? अफ्रेड. तो राइट द स्पेलिंग ऑफ अफ्रेड, ए एफ आर ए आई डी, अफ्रेड. देन आफ्टर लास्ट वन इज हैप्पी, हैप्पी दिख रहा है बॉय, क्या दिख रहा है? हैप्पी हैप्पी, तो एच ए डबल पी वाई, हैप्पी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड्स आर ऑल जम्बल. ये क्या हो गया? जम्बल हो गए, अनस्क्रैम्बल हो गए, उसे हमें अनस्क्रैम्बल है, उसे हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड में लिखने हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज अ फिल इन द ब्लैंक्स जैकेट, विच कलर जैकेट आर देयर? ब्लैक, बी एल ए सी के, ब्लैक. देन आफ्टर अ फिल इन द ब्लैंक्स एलिफेंट, कैसा एलिफेंट है? यहाँ पे दिया जी यू ई एच, तो कैसा है? यूज, कैसा है? यूज. राइट द स्पेलिंग ऑफ यूज, एच यू जी ई, यूज. सेकेंड वन इज क्लॉन, जॉकर, तो जॉकर कैसा है? अ फनी क्लॉन, कैसा है? फनी. तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फनी? एफ यू डबल एन वाई, फनी. यहाँ पे अनस्क्रैम्बल ही दिया है. आइसक्रीम, आइसक्रीम कैसा होता है? कॉल्ड, कॉल्ड. तो यहाँ पे देखो एल डी ओ सी दिया है, सही स्पेलिंग क्या होगी? सी ओ एल डी, कॉल. देन आफ्टर बॉय, कैसा बॉय है? टॉल, कैसा है? लंबा है, दैट इज अ टॉल बॉय, टी ए डबल एल, टॉल. कम ऑन टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 35. ड्रॉ द ग्रो एंड कलर द फॉलोइंग. ओके, आपको क्या करना है? ड्रॉ करना है और कलर करना है. तो फर्स्ट वन गिवन हियर अ टॉल ट्री, तो आपको ऐसे ट्री बनाना है, बिग वाला. ओके, कलर आपको ही करना है. ओके, इसमें कौन सा कलर करोगे? ब्राउन. और इसमें कौन सा करोगे? ग्रीन कलर. ओके, कलर आप अपने आप कर देना, अभी मैं कलर नहीं कर रही. देन आफ्टर पिंक ड्रेस, तो आपको क्या बनानी है? पिंक ड्रेस का पिक्चर बनाना है. आपको अच्छा आता है मेरे से भी, तो आप अच्छा बना सकते हो. ठीक है, मैं तो अभी ऐसे ही बना रही हूँ, आपको इससे भी अच्छा गुड आता है तो आप बनाना. ठीक है, आपको इसमें कौन सा कलर करना है? पिंक. कौन सा करना है? पिंक कलर करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बताया है? पिंक ड्रेस. ओके, देन आफ्टर लास्ट वन इज अ बिग कार, तो हमें बिग कार ड्रॉ करनी है. अगर आपको अच्छी आती है तो आप अच्छी बना देना. ठीक है, बिग कार आपको ड्रॉ करनी है. ओके, नाउ अपोजिट ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड,
चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन रेड फ्रॉम, यहाँ पे हमें क्या करना है, अपोजिट वर्ड लिखना है. ओके एंड फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है. माई फादर इज अ टॉल, मेरे फादर कैसे है, टॉल. लेकिन आई एम शॉर्ट, मैं कैसी हूँ, शॉर्ट हूँ. तो उसने क्या लिखा, एस एच ओ आर टी, शॉर्ट. अन्ना स्काई इज अ काइट इज फ्लाइंग हाई, अन्ना की काइट कहाँ जा रही है, हाई जा रही है. लेकिन मेरी काइट कैसी जा रही है, हाई का अपोजिट क्या होता है, लॉ. क्या होता है, लॉ, एल ओ डब्ल्यू. इट इज़ अ कॉल्ड टूडे, आज क्या है, ठंडी ठंडी है. प्लीज गिव मी सम फिल इन द ब्लैंक्स मिल्क, कॉल का अपोजिट क्या होता है, मुझे गरम गरम मिल्क चाहिए. तो क्या होगा उसका अपोजिट, हॉट, एच ओ टी, हॉट. संजीव इज अ हैप्पी, संजीव कैसा है, हैप्पी है. रीमा इज अ, रीमा कैसी है, सैड है. कैसी है, सैड. हैप्पी का अपोजिट होता है सैड. टर्न योर पेज, कम ऑन टू नेक्स्ट पेज. माई बैग इज अ हैवी, मेरा बैग कैसा है, हैवी है. योर बैग इज अ लाइट, हैवी का अपोजिट क्या होता है, लाइट, एल आई जी एच टी, लाइट. जी, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स इन ईच सेंटेंस विद इट्स अपोजिट ऑफ द स्क्रिप्ट, देन रीराइट द सेंटेंस इन द गिवन स्पेस. आपको अपोजिट वर्ड लिखना है और अगेन सेंटेंस लिखना है. ओके, फर्स्ट वन इज गिवन हियर, द कप इज अ फुल. व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द फुल, एम्प्टी. तो द सी यू पी कप, आई एस इज ई एम पी टी वाई, एम्प्टी. द ओल्ड मैन वॉक फास्ट, तो ऑल का अपोजिट क्या होता है, यंग. तो क्या आएगा, The Young Young Man Walk Fast, F-A-S-T, Fast. The painting is a beautiful. Beautiful का opposite क्या होता है, ugly. क्या होता है, ugly. तो rewrite the sentence. The painting is ugly. Shilpa has a white dress. What is the opposite of white? Black. So, S-H-I-L-P-A, Shilpa has a B-L-A-C-K, black, D-R-E-S-S, dress. The mango tree is a short. तो शॉर्ट का अपोजिट क्या होता है, टॉल. रीराइट द सेंटेंस, द मैंगो ट्री इज टॉल. ओके, यहाँ तक आपको पेज नंबर 36 तक कंप्लीट करना है, चैप्टर नंबर 7 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.